हेलो क्लास सिक्स, वेलकम स्टूडेंट्स एलन पब्लिक स्कूल नेटराना की ऑनलाइन क्लासेज एलन एजुकेयर में आप सबका वेलकम है। आज की वीडियो में हम आपका पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है डाइवर्सिटी प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी होती है विभिन्नता, प्रेजुडिस होता है पूर्वाग्रही या किसी के बारे में पहले से अनुमान लगाना, और डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके साथ भेदभाव या पक्षपात करना। लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली, वाई आर दिस चिल्ड्रन लाफिंग एट द गर्ल, ये बच्चे इस लड़की पर क्यों हंस रहे हैं। वॉट मस्ट बी द चाइल्ड फीलिंग एट बींग मेड फन ऑफ, वो बच्चा जिसका मजाक बनाया जाता हो वो कैसा महसूस कर रहा होगा, या ये जो लड़की यहाँ जिसका मजाक बनाया जा रहा है ये क्या महसूस कर रही है। हाउ डू यू फील अबाउट सच इनसेंसिटिव बिहेवियर, आप कैसा महसूस करोगे इस ऐसे उदासीन व्यवहार के बारे में, अगर इस तरह का व्यवहार आपके साथ हो तो आप इस बारे में कैसा फील करेंगे। We read about the amazing diversity in India in the previous chapter, हम पहले पिछले चैप्टर में diversity in India यानी भारत की diversity के बारे में पढ़ चुके हैं। We also saw that each one of us is unique, having certain qualities that make us different from others. हमने ये भी देखा कि हम में से हर एक क्या है, अपने आप में अद्भुत है, उसके पास अपनी खुद की अलग qualities हैं और वी जो हमें एक दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं। दिस डिफरेंसेज आर बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, ये डिफरेंसेज किसकी वजह से हैं, डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता की वजह से ही हैं। ऑल दो डाइवर्सिटी एंड रिचेज द कल्चर ऑफ अ कंट्री, यद्यपि जो विभिन्नता है वो एक देश की संस्कृति को समृद्ध बनाती है। यट समटाइम्स वी फॉर्म स्पेसिफिक एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस दैट काज डिसहारमोनी इन सोसाइटी, और कई बार क्या होता है ये इसी तरीके के कुछ स्पेशल एटीट्यूड्स और ओपिनियंस यानी हमारे सुझाव असामंजस्य क्रिएट कर देते हैं हमारे समाज में, यानी समाज के अंदर भाईचारा होना चाहिए उसकी जगह डिसहारमोनी क्या हो जाती है, फैल जाती है। हियर वी शैल डिस्कस देयर डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड्स इन सम डिटेल, आज हम इस चैप्टर में इन्हीं डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडिस के बारे में। डिस्क्रिमिनेशन होता है पक्षपात भेदभाव, और प्रेजुडिस होता है पूर्वाग्रही यानी पहले से किसी के बारे में अनुमान लगाना उसके बिहेवियर के बारे में उसको लेकर। हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स गिव राइज टू डाइवर्सिटी, जो ऐतिहासिक और भौगोलिक फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, विभिन्नता को ऊपर उठाते हैं। बट डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड और अप्रिसिएटेड, लेकिन विभिन्नता हमेशा ही ना तो सेलिब्रेट की जाती है और ना ही हमेशा उसे अप्रिसिएशन मिलती है। इट इज़ क्वाइट ऑफन दैट वी सी पीपल बींग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन और जेंडर। हम कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है उनकी स्किन कलर के आधार पे, यानी काले और गोरे का भेदभाव, और रेस का भेदभाव, कास्ट जाति का भेदभाव, भाषा को लेके भेदभाव होता है, धर्म और उनके लिंग को लेकर उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। दिस प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग सच डिस्टिंक्शंस एंड ट्रीटिंग अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लेस फेयरली देन अदर्स इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये इस तरीके का जो ये प्रथा जो चली आ रही है जो लोगों के अंदर अंतर पैदा करती है, लोगों में भेदभाव दिखाती है, चाहे वो एक आदमी को इस तरीके से ट्रीट करे या पूरे ग्रुप ऑफ पर्संस को इस तरीके से ट्रीट करे, वो उनके साथ क्या करता है, लेस यानी कि कम न्यायस्पद होता है उसके लिए, फेयर नहीं होता, वो फेयरली नहीं होता लोगों के लिए, लोगों के फ़ायदेमंद नहीं होता लोगों के लिए। इसे दूसरे लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन भी कह देते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इज बोर्न आउट ऑफ प्रेजुडिस एंड ड्यू टू क्रिएशन ऑफ स्टीरियोटाइप्स अमंग पीपल एंड दे एंड द वे इज इन विच दे थिंक एंड परसीव अदर्स। डिस्क्रिमिनेशन जो है, पक्षपात जो है, वो कहाँ से पैदा होता है, पूर्वाग्रह से, यानी पहले हम अनुमान लगा लेते हैं किसी के बारे में और इसी वजह से डिस्क्रिमिनेशन बनता है। और ये किसकी वजह से होता है, हमारे बीच में लोगों के बीच में क्या चल रही है, रूढ़िवादी जो परंपराएं होती हैं, जो सोच होती है लोगों की पुरानी, वो अभी तक इन लोगों के बीच में क्रिएट हो रही है और इसी वजह से प्रेजुडिस और उससे डिस्क्रिमिनेशन बनता है। एंड द वे इन विच दे थिंक एंड परसीव अदर्स, और एक ऐसा रास्ता बन चुका है जिसके दौरान जिसके अंतर्गत वो लोगों के बारे में सोचते हैं और उन्हें पहचानते हैं, यानी उसी रास्ते के थ्रू वो लोगों को पहचानते हैं। अब हम देखेंगे प्रेजुडिस यानी प्री कंसेप्शन और फ्लॉड प्रिसेप्शंस के बारे में। प्रेजुडिस आपने देखा पूर्वाग्रह यानी पहले लगाया गया अंदाज़ा होता है, अनुमान होता है, और प्री कंसेप्शन होती है पहले की अवधारणा, और फ्लॉड प्रिसेप्शन होता है दोष, अनुचित, ठीक है ना, जब कोई चीज़ क्या हो, सॉरी आपके लिए अंतर्दृष्टि यानी दूषित अंतर्दृष्टि हो जाती है, लोगों की मन से लोगों के बारे में गलत सोचना पहले से डिसाइड कर लेते हैं। प्रेजुडिस इज एन illogical, irrational and unreasonable opinion about a person or group of person which is formed without any basis, thought or knowledge. जो prejudice है वो क्या है, असंगत है,
अतार्किक है, अनुचित है, अनुचित ओपिनियन है, सुझाव है लोगों का, जो एक आदमी या ग्रुप ऑफ पीपल के प्रति लोगों के मन में बैठ जाता है, विच इज़ फॉर्म्ड विदाउट एनी बेसिस, ये बिना किसी आधार के, बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी ज्ञान के इसे बना लिया जाता है अपने मन में। दिस ओपिनियन इज़ फॉर्म्ड ऑन फॉल्स बिलीव्स एंड प्री कंसेप्शन दैट एग्जिस्ट इन पीपल्स माइंड। ये जो ओपिनियन होता है लोगों का, ये फॉल्स बिलीव्स यानी झूठे अंधविश्वासों पर डिपेंड करता है, और जो प्री कंसेप्शन है यानी जो लोगों की पहले की अवधारणा है, उस जो लोगों के माइंड में पहले से बैठी हुई है। प्रेजुडिस इज द रूट काज ऑफ अनफेयर बिहेवियर और डिसलाइक टुवर्ड्स अदर्स। जो प्रेजुडिस है यानी पूर्वाग्रही है, ये एक जड़ है अनफेयर बिहेवियर लोगों के साथ, जो दूसरे लोगों के साथ जिनको नापसंद किया जाता है, जिनके प्रति अनफेयर बिहेवियर किया जाता है, इसका मुख्य कारण यही है प्रेजुडिस। ठीक है, इट रेस्ट्रिक्ट्स आवर थिंकिंग एंड कॉजेस डिसहारमोनी इन सोसाइटी। ये क्या करता है, हमारी सोच को सीमित कर देता है और इस वजह से समाज में असमंजस की भावना पैदा हो जाती है। व्हेन पीपल आर प्रेजुडिस्ड दे डू नॉट गिव अदर्स द रिस्पेक्ट दैट ऑल ह्यूमन डिजर्व एंड आर एंटाइटल्ड टू। जब लोग क्या हो जाते हैं प्रेजुडिस्ड, यानी किसी के बारे में पहले से अवधारणा बना लेते हैं, तो फिर लोग दूसरे लोगों को क्या नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देते, जो कि हर आदमी का डिजर्व करने, हर आदमी डिजर्व करता है और वो उसकी उपाधि उसे मिलनी चाहिए, यानी रिस्पेक्ट प्राप्त करना हर आदमी का हक है, और इस तरीके से हर आदमी को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो प्रेजुडिस की जो सोच है, ये इंसान को उसकी जो रिस्पेक्ट होती है वो नहीं मिल पाती, नहीं दे पाता। ईच ऑफ दी अबो ऑब्जर्वेशंस इज इनकरेक्ट एंड प्रेजुडिस्ड। जितने भी ऊपर ऑब्जर्वेशंस हैं वो सब क्या हैं, इनकरेक्ट यानी गलत हैं, और प्रेजुडिस्ड यानी वो भी पूर्व अवधारणा से ग्रसित हैं। Acceptance of diversity and embracing people different from us can reduce prejudice in society. जो विभिन्नता है, diversity जो है, उसको स्वीकृति देकर और लोगों को अपनाकर, different from us, जो लोग हमसे different हैं, हमसे अलग हैं, उन लोगों को अपनाकर और diversity को स्वीकृति देकर हम क्या कर सकते हैं, society से इस prejudice को reduce कर सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं। We should understand people before forming an opinion about them in order to overcome prejudice. हम क्या करना चाहिए, हमें लोगों को समझना चाहिए, उनके प्रति कोई भी ओपिनियन सुझाव बनाने से पहले उन्हें समझना चाहिए, दैट इन ऑर्डर टू ओवरकम प्रेजुडिस, जो कि मतलब ये पूर्व अवधारणा से उभर कर हो, ऊपर हो। सिमिलरली लर्निंग अबाउट वेरियस कल्चर्स रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस एंड डेवलपिंग टॉलरेंस कैन हेल्प अस ओवरकम प्रेजुडिस। ये इससे हमें क्या मिलेगी, विजय प्राप्त होगी, सफलता मिलेगी प्रेजुडिस पे। किसकी वजह से, इसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग कल्चर्स को, धर्मों को, भाषाओं के बारे में जानना चाहिए, और हमारे बीच में हमें सहनशीलता को डेवलप करना चाहिए, जिससे हमें इस प्रेजुडिस पे सफलता हासिल करने में मदद मिलेगी। इन अ नट शैल वी मस्ट ट्रीट अदर्स द वे वी शुड वी वुड लाइक अवर सेल्स टू बी ट्रीटेड। इन अ नट शैल, एक छिलके की तरह, यानी हम लोग एक साथ हैं सब, वी मस्ट ट्रीट अदर्स, हमें दूसरों को ट्रीट करना चाहिए द वे वी वुड लाइक अवर सेल्स, जो हम जो जिस तरीके से हम चाहते हैं कि लोग हमें ट्रीट करें, उसी तरीके से हमें दूसरे लोगों को भी ट्रीट करना चाहिए। अगर हम दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो ही हमें बदले में रिस्पेक्ट मिलेगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीरियोटाइप्स हाउ दे आर क्रिएटेड, यानी कि रूढ़िवादी जो परंपराएं बन जाती हैं वो कैसे क्रिएट होती, कैसे बनी, कहाँ से उनकी शुरुआत हुई, ये हम देखेंगे। व्हेन वी लाफ एट अ वूमेन हु ट्राइज टू फिक्स अ कार, और व्हेन वी लाफ एंड पोक फन एट अ धोती क्लेड जेंटलमैन हु एंटर्स अ डिस्को, वी आर क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स अबाउट द जेंडर और अटायर ऑफ पीपल। जब हम एक ऐसी औरत पर हंसते हैं जो कि एक कार को फिक्स करने की कोशिश कर रही है, या फिर हम एक ऐसे आदमी का मजाक उड़ाते हैं जिसने धोती पहन रखी है और वो एक डिस्को में एंटर कर जाता है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ स्टीरियोटाइप को क्रिएट करते हैं उस जेंडर या फिर लिंग के बारे में, या तो उस आदमी को लेकर, या उस तो उस औरत के जेंडर को लेकर कि लड़की औरत होकर क्या कर रही है, ये कार फिक्स करने की कोशिश कर रही है, या फिर हम उस आदमी की पोशाक को लेकर, इन दोनों ही मामलों में हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे स्टीरियोटाइप्स को क्रिएट करने में मदद कर रहे हैं। और स्टीरियोटाइप इज़ अ फिक्स्ड आइडिया दैट पीपल हैव अबाउट समवन और समथिंग विच इज़ ऑफन अनट्रू और बेसलेस। स्टीरियोटाइप क्या होता है, एक फिक्स्ड आइडिया होता है हर उस आदमी या फिर दैट पीपल हैव अबाउट समवन या समथिंग, किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के बारे में जो लोग बनाते हैं फिक्स्ड आइडिया, वही स्टीरियोटाइप है, जो कि अक्सर क्या होता है, अनट्रू, सच नहीं होता और बेसलेस, इसका कोई आधार भी नहीं होता। इन अदर वर्ड्स अ स्टीरियोटाइप इज़ लाइक अ प्रेजुडिस विच रिजल्ट्स इन पीपल डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट अदर पीपल।
दूसरे शब्दों में स्टीरियोटाइप का प्रेजुडिस की तरह देख सकते हो, जिसका रिजल्ट होता है कि लोग डिस्क्रिमिनेट दूसरे लोगों को पक्षपात करने लगते हैं या दूसरे लोगों के खिलाफ हो जाते हैं, दूसरे ग्रुप्स के खिलाफ हो जाते हैं, दूसरे समुदायों के लिए पक्षपात का व्यवहार करते हैं। ऑफन स्टीरियोटाइप्स कैन बी क्रिएटेड अनकंसियसली विदाउट रिलीजिंग इट। अक्सर स्टीरियोटाइप जो है वो क्या करता है, अनकंसियसली क्रिएट हो जाता है विदाउट और रियलाइजिंग इट, हमें महसूस भी नहीं होता और स्टीरियोटाइप वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। दिस हैपन व्हेन बिलीव्स और कॉन्सेप्ट्स क्रिएटेड बाय सोसाइटी आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और ये तब होता है जब जो विश्वास और कॉन्सेप्ट सोसाइटी में क्रिएट हो चुके हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पास होते रहते हैं, तो इस तरीके से ये स्टीरियोटाइप बिना हमारी रियलाइजिंग के भी बनता रहता है। फॉर इंस्टेंस द स्टीरियोटाइप ऑफ अ वुमेन्स इन एबिलिटी टू फिक्स मशीन्स वॉज क्रिएटेड बाई सोसाइटी ड्यू टू इट्स बिलीव एज टू अबाउट वॉट कॉन्स्टिट्यूट्स वुमेन्स वर्क एरिया। जैसे कि स्टीरियोटाइप एक औरत की इनएबिलिटी उसकी योग्यता को लेकर है कि फिक्स मशीन्स वॉज क्रिएटेड बाई, कि मशीन को फिक्स करना एक सोसाइटी के अंदर एक विश्वास बन गया है कि ये औरतों का काम नहीं है या औरतों के काम के एरियाज को फिक्स कर दिया गया है। वी ऑफन ग्रुप पीपल एंड लेबल दैम ऑन बेसिस ऑफ देयर लुक्स एटसेट्रा। हम अक्सर लोगों के ग्रुप को, वी ऑफन ग्रुप पीपल एंड लेबल दैम, हम लोगों का अक्सर ग्रुप बना लेते हैं और उन्हें लेबल दे देते हैं, उनका नाम रख देते हैं उनके दिखने के आधार पर, उनके लुक के आधार पर कि वो किस तरीके से दिखाई देते हैं, सॉरी लुक के आधार पर, उसके कलर के आधार पर, उनके पोशाक के आधार पर और उनके लैंग्वेज के आधार पर। मेकिंग assumptions अबाउट the entire group, हम क्या करते हैं उस पूरे ग्रुप का के प्रति धारणा बना लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं जिस तरीके से वो दिखते हैं। दिस लीड्स टू क्रिएशन ऑफ stereotype, इस वजह से stereotype का क्रिएशन होता है। वी दैन बिगिन इन टू बिलीव दैट ऑल पीपल इन दैट ग्रुप हैव द सेम बिहेवियर और द सेम क्वालिटीज़। हम उसके बाद ये विश्वास करने लगते हैं कि उस ग्रुप के सभी लोग एक ही व्यवहार के और एक ही क्वालिटीज़ के हैं। Forgetting that people are also individuals, और हम ये भूल जाते हैं कि लोग, हर एक आदमी अलग है, इंडिविजुअल है, ईच विद डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़, हर एक अलग अलग क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ में है, यानी हर एक की अपनी खुद की एबिलिटी है और खुद की क्वालिटी है। इन दिस सेंस वी ट्रीट दैम अनफेयरली, और इसी सेंस में हम क्या करते हैं उनके साथ में अनफेयर बिहेव करने लगते हैं। वी शुड अंडरस्टैंड दैट ईच ग्रुप हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसज़। हमें क्या करना चाहिए, हर ग्रुप को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उसकी खुद की अपनी ओन सेट ऑफ वेल्स एंड प्रैक्टिसेस, उसकी खुद की अपना सेट होता है, अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, अपने गुण होते हैं। अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर एंड रिस्पेक्ट देम, उनके अलग अलग सबके बिहेवियर को समझना चाहिए और उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और एटीट्यूड शुड बी ऑफ एप्रिशिएशन एंड एक्सेप्टेंस, नॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड कंडेमनेशन। हमारा जो एटीट्यूड है उसे भी क्या करना चाहिए, अप्रिशिएशन होनी चाहिए उसकी और हमें स्वीकृति देनी चाहिए, नॉट टू डिस्क्रिमिनेट, नॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात नहीं होना चाहिए और किसी की निंदा नहीं होनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं होनी चाहिए। कंसिडर दीज ऑब्जर्वेशंस, ये कुछ कथन है जिनको, जिनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। नंबर वन, बॉयज शुड नॉट बी हाउस होल्ड वर्क, लड़के घर का काम नहीं, बॉयज शुड नॉट डू हाउस होल्ड वर्क, लड़कों को घर का काम नहीं करना चाहिए। गर्ल्स शुड नॉट टेक अप जॉब्स आउटसाइड देयर होम्स, लड़कियाँ अपने घर से बाहर कोई जॉब नहीं करनी चाहिए लड़कों को, लड़कियों को। मैन शुड अर्न अ लिविंग, आदमियों को क्या करना चाहिए, जीवन के लिए जो कमाई होती है वो करनी चाहिए। वुमेन शुड स्टे एट होम, औरतों को घर में रुकना चाहिए एंड लुक आफ्टर द हाउस होल्डर, घरेलू कामकाज करने चाहिए। व्हाट डू दिस स्टेटमेंट्स टेल यू अबाउट ट्रेडिशनल आइडियाज़, ये जो स्टेटमेंट्स है ये आपको कुछ पारंपरिक आइडियाज़ के बारे में बताएंगे। हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड नाउ, अब चीज़ें किस तरह से बदल गई हैं, यानी जो सोच है इन तीनों सेंटेंसेज में, इन ऑब्जर्वेशंस में, वो किस तरीके से आज चेंज हो चुकी है। डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी, पक्षपात और असमानता। डिस्क्रिमिनेशन एंड डैनियल ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज अ रिजल्ट ऑफ प्रिजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स। पक्षपात और अवसर जो मिलते हैं उनको मना करना, या अवसरों के अंदर जो स्वीकृति होती है मना करना, अवसर नहीं मिलना सबको, ये चीज़ क्या, किसका रिजल्ट है, प्रिजुडिस का और स्टीरियोटाइप बनते हैं इनके रिजल्ट से। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, रीजन एंड जेंडर। जो पक्षपात है वो अलग अलग आधार पर किया जाता है, जैसे कहीं धर्म के आधार पर, कहीं जाति के आधार पर, कहीं क्षेत्र के आधार पर, कहीं जेंडर यानी लिंग के आधार पर। डिस्क्रिमिनेशन डैनीज पीपल द राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। डिस्क्रिमिनेशन है वो लोगों से उनका आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा और रिस्पेक्ट के साथ जीने का जो अधिकार है वो उनसे छीन लेता है। वेल्थ और लैक ऑफ इट इज ऑल्सो अ मेजर रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। जो धन संपत्ति और जो गरीबी है ये भी डिस्क्रिमिनेशन का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। पीपल हु डू नॉट लिव
डू नॉट हैव इनफ मनी टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, फेस डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे लोग जो जिनके पास पर्याप्त धन नहीं है, जो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, जैसे भोजन, जगह और कपड़े, स्थान, ये सब चीज़ें जिनके पास नहीं है, वो लोग भी पक्षपात को फेस करते हैं। बियर डिसरिस्पेक्ट एंड आर ट्रीटेड बैडली वेन एवर दे गो बिकॉज दे आर पुअर। उनके साथ में डिसरिस्पेक्ट की जाती है उनकी, उनको बैडली बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है जब वो कहीं जाते हैं, और क्योंकि वो गरीब हैं इस बात से उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। सम रिलीजियस ग्रुप्स, कुछ धार्मिक ग्रुप्स हैं, ट्रिबल ग्रुप्स हैं, एंड रीजन्स फेस मोर देन वन काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कुछ धार्मिक ग्रुप, कुछ ट्रिबल जो ग्रुप होते हैं, जनजातीय ग्रुप, और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा प्रकार के डिस्क्रिमिनेशंस को भी फेस करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन काजेस सर्टेन ग्रुप टू रिमेन बैकवर्ड एंड नेग्लेक्टेड, एंड दिस हैम्पर्स द हारमोनी एंड प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। डिस्क्रिमिनेशन क्या करता है, इन ग्रुप्स को बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ ले जाता है, या इन्हें अनदेखा करने लगता है, या डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ये ग्रुप्स पीछे चले जाते हैं और इनको लोग नेग्लेक्ट करने लगते हैं, और इस वजह से जो देश की प्रोग्रेस और हारमोनी है उसके अंदर बाधा पैदा होती है, यानी उसके अंदर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, भारत के अंदर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसके बारे में देखेंगे। द इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू फोर कास्ट मोर देन 3000 ईयर्स अगो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेशन दे एंगेज्ड इन। भारतीय समाज के अंदर, भारतीय समाज को चार भागों में, फोर कास्ट में डिवाइड किया गया था लगभग 3000 साल पहले, उनके ऑक्यूपेशन के आधार पर, जो काम वो कर रहे हैं, जिस काम में वो बिजी हैं, लगे हुए हैं, उस काम के आधार पर उन्हें चार कास्ट में भाग बांटा गया था। द फर्स्ट थ्री कास्ट वर सेड टू बी हाई बोर्न बिकॉज ऑफ द वर्क दे डिड। पहली जो थ्री कास्ट थी उनको हाई बोर्न माना गया है, क्योंकि हाई कास्ट माना गया क्योंकि उनके काम के आधार पर वो क्या करते थे, परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स, जो धार्मिक परंपराएं होती है वो करते थे, फाइट वार्स, युद्ध लड़ते थे और ट्रेड व्यापार करते थे। फोर्थ कास्ट वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ सर्विंग दीज हाई बोर्न कास्ट। फोर्थ, चार नंबर की जो कास्ट थी वो उनको टास्क दिया जाता था, या उनका काम ये होता था कि जो हाई बोर्न कास्ट हैं उनकी सेवा करना। दिस ग्रुप डिड मैनुअल वर्क, ये जो ग्रुप थे ये नौकर का काम करते थे, तुच्छ काम करते थे, एंड रिमेंड पुअर डिप्रीव्ड, और बाद में ये क्या रहने लगे, गरीब रह जाते और इन्हें मतलब वंचित रह जाते हर चीज़ों से। अ पर्सन बोर्न इन अ सर्टेन कास्ट कुड नॉट चेंज हिज ऑक्यूपेशन। इस तुच्छ कास्ट में पैदा होने वाले आदमी को अधिकार नहीं था कि वो अपना ऑक्यूपेशन या अपना व्यवसाय बदल सके। विद द पैसेज ऑफ टाइम कास्ट डिवीजन बिकम्स मोर रिजिड। समय बीतने के साथ साथ ये जो कास्ट डिवीजन था ये और भी ज़्यादा सख्त हो गया। द लोअर कास्ट कोल्ड दलित, कोल्ड दलित से लोअर कास्ट को, नीची जाति को क्या कहा जाने लगा, दलित कहा जाने लगा। वर ट्रीटेड एज अनटचएबल्स एंड हैड टू लिव सेपरेटली। इनके साथ में छुआछूत का व्यवहार किया जाने लगा और इन्हें अलग रखा जाने लगा। दे वर डेनिड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन एंड डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट। इन्हें जो प्रतिष्ठित जो काम था, जो एम्प्लॉयमेंट था, रोजगार था, वो नहीं मिल पाता था, और इन्हें शिक्षा की अपॉर्चुनिटीज भी नहीं दी जाती थी। दे वर बेयर्ड फ्रॉम यूजिंग पब्लिक फैसिलिटीज, वेल, स्कूल्स यूज्ड बाय द अपर कास्ट। इन्हें उन स्कूलों और कुओं से दूर रखा जाता था जिन्हें अपर कास्ट के लोग यूज़ करते थे, ठीक है, इन फैसिलिटीज़ से इन्हें दूर रखा जाता था। दिस ह्यूमन प्रैक्टिस लेफ्ट एन अगली मार्क ऑन द सोशल फैब्रिक ऑफ द कंट्री। देश का जो सामाजिक ढांचा है उसके ऊपर लोगों की इस चीज़ ने क्या कर दिया, बहुत ही बुरा असर डाला, यानी एक भद्दा निशान डाल दिया उसके ऊपर, बाक बना दिया। टुडे दिस लोली कास्ट आर कॉल्ड शेड्यूल्ड कास्ट। आज इन निची जाति को या इन लोअर कास्ट को शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाता है। इवन टुडे वी सी दलित्स डूइंग मैनुअल एंड हजार्डस टास्क्स, वर्किंग एंड लिविंग इन डेप्रोलेबल कंडीशंस। इवन यहाँ तक कि आज भी हम देख सकते हैं कि जो दलित लोग हैं वो तुच्छ काम करते हैं, नौकर वाले काम करते हैं और ख़तरनाक काम करते हैं। वर्किंग एंड लिविंग इन डेप्रोलेबल कंडीशंस, और वो लोग काम करते हैं और रहते हैं, वो कंडीशंस काफ़ी निंदनीय होती है। रीड दिस एक्सर्प्ट फ्रॉम द हिंदू डेटेड May 6, 2008। आप इसके बारे में, इसका उद्धरण आप कहाँ पढ़ सकते हो, द हिंदू बुक है उसके अंदर आप पढ़ सकते हो, जो कि 6 मई 2008 में बनाई गई थी, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर है स्टूडेंट्स, इसको आपको, इस वीडियो को वॉच करके और इसको रीड करना है, और जो भी होमवर्क आपको सेंड किया जाता है आप वो करिए, लेसन रीड करिए वीडियो के थ्रू, और साथ में जो टेस्ट आपको दिए जाते हैं उनको भी आप टाइम टू टाइम सॉल्व करिए। थैंक्स एंड हैव नाइस डे।